नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो बेटा, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट कोड 002 की आंसर की मार्किंग स्कीम। ये इवनिंग शिफ्ट में आप लोगों का पेपर हुआ है, उसके आंसर्स हैं बेटा। 3 घंटे का टाइम पीरियड आपको इस एग्ज़ाम के लिए दिया गया था। 80 नंबर का पेपर आप लोगों को करना था। तो क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखेंगे और साथ ही साथ अपने आंसर्स का मिलान करते जाएंगे। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो डायरेक्ट टिक लगाना है सिर्फ आपको अपने राइट आंसर पे, और फिर उसके साथ मिलान करना है अपने स्कोर का। बेटा, इसी के साथ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बाकी सब्जेक्ट की आंसर की मार्किंग स्कीम, सैम्पल पेपर, CBSE पेपर, प्रीवियस पेपर, डेट शीट और बाकी CBSE अपडेट्स के लिए। बेटा, आंसर की को टैली करने का एक बेनिफिट हमको ये भी रहता है कि जो हमारे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या 3 नंबर 4 नंबर के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उनका आंसर किस तरह से लिखना है, किस पॉइंट्स में लिखना है, जिससे कि हम पूरे पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में ले सकें, उसका आइडिया हमें इस आंसर की के माध्यम से लग जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये, स्टूडेंट्स को ज़रूर इसको देखना चाहिए और टैली करना चाहिए कि वो किस तरह से लिख रहे हैं और आंसर की में किस तरह से लिखा हुआ है। आंसर को लिखने का तरीका भी हमें ज़्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेटा, ये थी आपकी आंसर की इवनिंग शिफ्ट हिंदी की। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।